ओम नारायण 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 सब मित्रों को राम राम दोस्तों गॉड टू को लेकर कल जो न्यूज़ आई वो आपने अभी तक सुनी होगी सेंसर बोर्ड ने गॉड टू में 20 कट्स लगाने के लिए कहा है और साथ में ए सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है इसको लेकर गॉड टू के जो मेकर्स है वे खुश नहीं है ऐसा हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पढ़ने को मिलता है मतलब देखिए जो हमारे मन में आशंका थी वैसे आशंका ये शब्द भी सही नहीं रहेगा क्योंकि लगभग सारी बातें क्लियरली दिखी रही थी आशंका क्या कहना पिछले वर्ष अक्षय कुमार ने जदा फिल्म फेस्टिवल में जो एक वक्तव्य दिया था कि उनकी आने वाली एक फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित होने वाली है हालांकि उन्होंने फिल्म का नाम नहीं लिया था उस समय पर बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये कहा गया था कि भाई ओमाई गॉड टू ही सेक्स एजुकेशन पर आधारित होने वाली है उसके बाद अभी जब टीजर रिलीज हुआ उस समय तक भी विकीपीडिया हो या आईएमडीबी हो दोनों ही जगह पर सेक्स एजुकेशन का उल्लेख था जो अभी उन्होंने हटा दिया है अभी ये मेरे सामने आईएमडीबी का पेज खुला हुआ है और यहाँ पर उन्होंने एन अनहैप्पी सिविलियन आस्क द कोर्ट टू मैंडेट कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन इन स्कूल्स इन अ ड्रामेटिक येट अम्यूजिंग कोर्ट रूम प्ले तो ये सेक्स एजुकेशन शब्द उन्होंने आई से हटा दिया है हालांकि अभी सेंसर बोर्ड के जो कट्स हैं और जो ए सर्टिफिकेट दिया है इसको लेकर जो मीडिया आर्टिकल्स रिपोर्ट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं इसमें फिर से सेक्स एजुकेशन का उल्लेख यहां पर हमें पढ़ने को मिलता है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ ये इंडिया टाइम्स का आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है अक्षय कुमार सोमाय टू गेट्स ट्वेंटी कट्स एंड अडल्ट ओनली सर्टिफिकेट फ्रॉम सी बी एफ सीज रिवाइजिंग कमिटी Uh, learning a lesson from the adipurush controversy the central board of film certification cbfc has ordered a staggering 20 cuts in the upcoming film omg oh my god 2 other than this the film has been slapped with an adults only certificate आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द सीबीएफसी एग्जामिनिंग कमेटी वेअर कंसर्न ओवर सर्टन सीन्स एंड डायलॉग्स दैट वी आर डीम्ड कॉन्ट्रोवर्शियल एंड पोटेंशियली ऑफेंसिव टू रिलीजियस पोटेंशियलीसिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ धिस द बोर्ड हैज डिमांडेड अ टोटल ऑफ ट्वेंटी कट्स टू बी मेड बिफोर ग्रांटिंग ग्रांटिंग द फिल्म अ सर्टिफिकेशन अ सोर्स टोल्ड बॉलीवुड हंगामा इन ऑल द रिज कमिटी हैज आस्ड फॉर ट्वेंटी कर्ट दिज इंक्लूड बोथ विजुअल एंड ऑडियो डिलीशंस ऑन टॉप ऑफ इट दे हैव ऑल्सो सजेस्टेड द मेकरस ऑफ फॉर एंड अडल्ट ओनली सर्टिफिकेट तो जो बीस कर्ट्स हैं उनमें कुछ विजुअल्स भी है और कुछ जगह पर ऑडियो को भी उन्होंने म्यूट किया हुआ है या हटा दिया गया है Uh, filmmakers of Oh My God 2 are unhappy with the uh, CBFC's decision. The source also specified that makers disapprove of this decision. However, the makers are not comfortable with these cuts as they believe that it will affect the essence of the film. They are also not okay with an A certificate. After all, they feel that the topic of sex education should be seen by people of all ages. Also, the first part, OMG, uh, Oh My God. जो 2012 में आया था इज वेरी पॉपुलर विथ किड्स वा ये कब हुआ कौन से बच्चों को पसंद है वो कुछ भी बोलना है इसलिए बोल देना है टू हैव एन अडल्ट सर्टिफिकेट फॉर अ फिल्म इन अ किड फ्रेंडली फ्रेंचाइजी जस्ट डजेंट फील राइट इन देयर ओपिनियन द सोर्स एडेड मतलब इसके जो सोर्स ने बताया है उसके अनुसार फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि बीस कट्स लगा देंगे तो फिल्म का जो मूल भावना है जो एसेंस है वो ही निकल जाएगी उसमें उस पर प्रभाव होगा और ए सर्टिफिकेट के साथ भी वो एग्री नहीं है क्योंकि किड फ्रेंडली <laughs> ये टॉपिक uh, है सेक्स एजुकेशन तो सब तक इस सबके आफ्टर ऑल दे फील दैट द टॉपिक ऑफ सेक्स एजुकेशन शुड बी सीन बाय पीपल ऑफ़ ऑल एजेस सेक्स एजुकेशन के टॉपिक uh, uh, के बारे में सब लोगों को देखना चाहिए वाह आज देखिए भर में सेक्स एजुकेशन का जो विषय है इसको लेकर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर मैंने कई सारी बातें बताई है अमेरिका में भी जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को इससे जितना हो सके बचाने का प्रयास कर रहे हैं मांग कर रहे हैं और इसी कारण से फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं उन्होंने वहां पर बिल लाकर उस पर साइन करके लॉ बना दिया है कि सेक्स एजुकेशन सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअल ओरिएंटेशन से ओरिएंटेशन से रिलेटेड किसी भी विषय के बारे में एलिजिबिटी एजेंडा से जुड़े हुए किसी भी विषय के बारे में बच्चों के सामने स्कूल में चर्चा नहीं कर सकते और देखिए सेक्स एजुकेशन मतलब अगर किसी को लग रहा हो कि ये कोई बायोलॉजी की क्लास होने वाली है तो इस कल्पना से बाहर निकलिए ऑलरेडी जो बेसिक बायोलॉजी है वो स्कूलों में पढ़ाई जाती है जितना मैंने पढ़ाया है जाना है सेक्स एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य एल एजेंडा को प्रमोट करना है जो अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है या जो जेंडर आइडेंट जो अलग अलग प्रकार के जेंडर्स इन्होंने खोज कर रखे हैं रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा ये इसका मुख्य हिस्सा है सेक्स एजुकेशन का जितना मैंने देखा है पुतिन का भी मैंने वीडियो आपको दिखाया था कि वहां पर किस प्रकार से जो पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन का विरोध कर रहे हैं उनको वहां की जो लिबरल्स हैं उनकी जो टोली है लिबरल्स की वो उन पेरेंट्स पर केसेस करके उनको जेल में डलवा रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि भाई हमारे बच्चों को छोड़ दो और यही नहीं केवल पुतिन का वीडियो हो या रॉन डिसेंटिस की बात हो यही नहीं मैंने इटली के प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था उन्होंने भी किस प्रकार से ये जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है या जो ये सेक्शुअल लिबरेशन वगैरह की जो बातें की जाती है इसको लेकर खुलकर अपने विचार रखे थे कि ये किस प्रकार से या ये वोक्स आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद कर रहे हैं ये कितना भयावह है तो इटली के प्राइम मिनिस्टर का भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बस ये कह दिया था कि जो बायोलॉजिकली जो फीमेल है वो उसी को हम वुमेन कहते हैं बस ये कहने के कारण जो वहाँ के जितने भी लिबरल्स है वोक्स है या एल जी के एजेंडा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उन सब ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को गालियों पर गालियाँ दी थी यह वीडियो मेरा अवश्य देखना ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का वो वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बस ये पूछा गया था कि वॉट इज़ अ वुमन बस ये प्रश्न पूछने के कारण वो थरथर काँपने लग गए थे मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ लगभग एक मिनट तक वो थरथर थर काप रहे थे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था कि कुछ गलत बोल दूंगा तो ये जो वोक्स का इकोसिस्टम है वो मुझको पता नहीं नोच कर खा जाएगा ये सारे वीडियोस मैंने यहां दिखाए हुए हैं जरूर देखना और ये जो एजेंडाज है इसके कितने भयावह परिणाम आज वेस्ट में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर देना है छोटे छोटे बच्चों को कसाईयों की तरह उनके गुप्तांगों को काटा जा रहा है रेड जो सेक्स चेंज ऑपरेशन जो इर है वापस वो ठीक नहीं हो सकता एक बार जो शरीर में इस प्रकार से बदलाव कर दिए गए प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना और हार्मोन्स चेंज करना ये कितना भयानक है आप कल्पना करके देखिए तो किसी को अगर लग रहा हो कि ये कोई बेसिक बायोलॉजी की क्लास है तो इससे कम से कम हमें ऊपर उठना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि गॉड टू में कोई ये रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा होगा या सेक्सुअल से लिब्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ होगा हो सकता है कि इन दोनों को साइड में रखकर किसी और विषय को लेकर फिर वे सेक्स एजुकेशन का समर्थन करें वो कुछ भी हो सामने दिखाने के लिए वो विषय कुछ भी रखे पर सेक्स एजुकेशन में क्या क्या बातें आती है ये ये तो हमें पता होना चाहिए कम से कम उसको लेकर जो हमारे मन में चिंता है उसको लेकर चर्चा तो होनी चाहिए ना कम से कम और जो अपने आप को फैन कहते हैं चाहे आप किसी के भी फैन हो किसी भी एक्टर के हो प्लीज़ इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए इसके भयावह परिणाम आपके हमारे सबके बच्चों को आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे लिबरल्स और वोक्स ने जो आतंक पूरे विश्व में मचाया हुआ है उस कारण से किस प्रकार से अगली जनरेशन बर्बाद हो रही है ये आंखें खोलकर आज हमें देखने की आवश्यकता है बाकी ये जो 20 कट्स है इसी से पता चलता है कि ओ गॉड टू के मेकर्स ने कितने भयानक मानसिकता के कि कितने गंदे गंदे ऐसे डायलॉग्स इस फिल्म में डाले होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती सोचिए बीस कट्स अगर लगाने पड़ रहे हैं तो कितने भयानक डायलॉग्स इसमें उन्होंने डाले होंगे और ये दिखाने के लिए क्या क्या दिखा रहे हैं बाहर से जैसे कि हम कुछ बहुत ही डिवाइन दैवी ऐसी कुछ फिल्म बना रहे हो शर्म आनी चाहिए आप मैंने पिछली बार भी कहा था आपको जो प्रमोट करना है करो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करो जो भी करना है करो कम से कम हमारे ईश्वर को हमारी आस्था को उसके साथ मत जोड़ो मत जोड़ो आपके जितने भी कुछ एजेंडाज है कितने ही भयानक हो वो आप करिए प्रमोट अपने नाम पर करिए हमारी आस्था को हमारे ईश्वर को बीच में मत लाइए कम से कम ये दिखावा और ढोंग मत करिए कि आप कुछ बहुत दैवी ऐसे कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म बना रहे हैं और अभी हर महादेव जो सॉन्ग भी मैंने देखा उसमें अक्षय कुमार के जो एक्सप्रेशंस हैं ना जैसे कि कोई हाउसफुल का सॉन्ग वो शूट कर रहे हो कैसे विचित्र से एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप शिव जी की भूमिका आप कह रहे हैं अपने आप को और ये ऐसे एक्सप्रेशंस विचित्र से और उस पूरे सॉन्ग में भी कुछ भी ऐसा अंदर स्पिरिचुअल अध्यात्मिक वाइब्स या कुछ ऐसा फील हो ऐसा कुछ भी मुझे तो कम से कम नहीं लगा तो दोस्तों ये थे मेरे विचार गॉड oh टू को लेकर जो सी ने 20 कट्स लगाने के लिए बोला है और अडल्ट सर्टिफिकेट दिया है हालांकि मैं तो अभी भी कहता हूं कि भाई अडल्ट सर्टिफिकेट दे या कुछ भी हो उन्हें जो प्रमोट करना है करे जिस भी विषय को प्रमोट करना है सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा पर भी चंडीगढ़ करे आशी की जैसी फिल्में या और भी भाई पूरा एल जी के एजेंडा पर आधारित तो माधुरी दीक्षित तो विजय सेतुपति तो राजकुमार राव आयुष्मान खुराना इन सब को लेकर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है जो प्रमोट करना है करो पर कम से कम हमारी आस्था हमारे ईश्वर को इसके बीच में मत लाओ उनको सामने रखकर अपना एजेंडा मत चलाओ मैं तो बस यही कहूँगा और मैं फिर से कह रहा हूँ जो भी है कि भाई मैं ये नहीं कहता कि ओ माई गॉड टू में क्लियरली सामने से ये कहा जाएगा कि भाई कोई एल एजेंडा हो या फिर रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा को हम प्रमोट करने वाले हैं नहीं जो हमें विषय दिख रहा है सेक्स एजुकेशन का तो वो बात ही मुझे प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रही है जिनको नहीं लग रही वो सपोर्ट करिए समर्थन करिए खुशियाँ मनाइए प्रमोट करिए आपके ऊपर है मुझे कम से कम सही नहीं लग रहा बाकी आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम वंदे मातरम